उदयपुर जिले के जाड़ोल के ओगणा कस्बे में मंगलवार को समुदाय विशेष के चार बदमाशों द्वारा स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत के मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उदयपुर न्यायालय में पेश किया, जहां से चारों को रिहा कर दिया गया, जिस पर करणी सेना सहित सर्व समाज के लोगों ने कस्बे को बंद रख भारी आक्रोश जताते हुए टायर जलाकर उग्र प्रदर्शन किया और चारों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष जीवन सिंह सेनवाड़ा ने बताया कि अगर पुलिस चारों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। और क्या कहा जीवन सिंह देवड़ा ने, आप भी सुनिए। मामला है और ये दो दिन पहले की घटना है। तीन लड़कियों के साथ असामाजिक तत्वों के कुछ लड़कों ने मिलकर उनके साथ छेड़छाड़ी की थी और साथ ही साथ धमकी घर जाकर उस पीड़ित परिवार के लड़कियों के घर जाकर धमकियां भी दी कि किसी को सार्वजनिक ये बात की है तो जान से मार देंगे और घर जला देंगे। इस घटना को लेकर आज पूरा ओगणा क्षेत्र बंद रखा है और उन पीड़ित परिवार की तरफ से रिपोर्ट थाने में दी गई, कार्रवाई नहीं हुई। छोटी मोटी जो भी कार्रवाई हुई दूसरे दिन उनको बेल हो गई, सरेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को धमकियां दे रहे हैं कि हम खुले हैं, बाजार में आ गए हैं, अब तुम कहां रहोगे। मैं करणी सेना जिलाध्यक्ष के मार्फत से प्रशासन को सूचित करना चाहता हूं कि इस तरह की जो असामाजिक तत्वों ने जो धमकियां दी है उस परिवार को, वो परिवार अकेला नहीं है, हम सर समाज के लोग उनके साथ हैं और हमारी जो मांग है, हमारी यही मांग है कि जिस तरह प्रशासन ने गलती की है और उनको सजा नहीं दिलाई है और तुरंत प्रभाव से उनको बेल हो गई है, मैं ये सभी परिवार की तरफ से और सर समाज की तरफ से मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि उन दरिंदों को तुरंत प्रभाव से पकड़े जाएं, उनको सलाखों के पीछे डाले जाएं और पुलिस प्रशासन ओगणा थाना पूरा लाइन हाजिर किया जाए, ये सर समाज की डिमांड है। और जब तक पूरा ओगणा थाना लाइन हाजिर नहीं हो और उनको गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक यहां से हम नहीं हिलेंगे। और अगर शाम तक की आपको ये मोहलत है, टाइम में है, और अगर शाम तक उनको गिरफ्तार करके सार्वजनिक नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन की चेतावनी देता हूं। जीवन सिंह सेनवाड़ा, करणी सेना। लोकल न्यूज वीडियो के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।